हेलो किचन मम्मी दी, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले जय माता दी। नौता चल रहा है और व्रत की रेसिपी तो चाहिए रहेगी। अब जो 9 दिन के व्रत है तो कुछ तो खाने को भी चाहिए रहेगा। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला चलो बनाते हैं गर्मा गर्म फुली फुली एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम साबूदाने की पूड़ी। और आप देख सकते कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम भी था। तो चलो आज बना लेते फटाफट ये गर्मा गर्म और मुलायम एकदम। तो बस ये मैंने साबूदाना ले रही हूँ। अब इसे सोच रहे होगे कि धुलेंगे कैसे, तो बस इसे मैं नॉर्मल जैसे पानी होते हैं ना पानी ले रही हूँ और एक सॉफ्ट रुमाल ले रही हूँ। इसे अच्छे से हम धुल लेंगे एंड देन इसके पानी जो होते हैं पूरा स्विच कर लेंगे। धुला ही रुमाल है लेकिन नॉर्मल एक रुमाल को हमें ओला करना है, मतलब गीला करना है। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से पानी देखिए एकदम स्विच कर दिया, निकाल दिया रुमाल एंड देन इस पर हम डाल देंगे साबूदाने और इसे ये ओले वाले कपड़े से मतलब गीले वाले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि हमारे साबूदाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब साफ भी हो जाएंगे अच्छे से। और हाँ आप सोच रहे होगे सॉफ्ट हो गया होगा, तो सॉफ्ट नहीं होगा, उसके लिए भी आगे है काम। तो बस इसे अच्छे से मैंने पोंछ लिया एंड देन मैं कढ़ाई में इसे थोड़ा सा भून दूँगी ताकि जो सॉफ्टनेस आया होगा ना वो आराम से निकल जाए और क्रंची भी हो जाए। तो बस इसे मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर भून दे रही हूँ ताकि इसके सॉफ्टनेस चले जाए। तो बस ये अच्छे से ये देखिए मैं अराउंड 4 से 5 मिनट्स एकदम मीडियम फ्लेम पे भून के लिए और ये देखिए एकदम सॉफ्ट भी हो गया क्रंची भी हो गया। बस इसे अब ठंडा करके तो ऑलमोस्ट ठंडा भी कर दिया मैंने एंड देन इसे अब हम ले लेंगे। देखिए ठंडा हो गया, इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी एकदम पाउडर, जैसे आटा के पाउडर होते ना वैसे पाउडर करना है। तो बस इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे पाउडर जैसे होते हैं एकदम आटा जैसा, वैसे आटा इसका तैयार कर लेंगे। तो बस इसे मैं ग्राइंड कर लिया और आप देख सकते हो एकदम आटे जैसे तैयार भी हो गए। और आप सोचोगे दर्द रहा है तो दर्द रहा के लिए चलना तो पड़ेगा ही। तो बस इसके मैंने एक चलनी ले रही हूँ, ये इसमें इसी में डालूँ और इसे चाल लूँगी और इसके जो मोटे मोटे दाने आएंगे वो इसमें आ जाएंगे और जो आटा है वो अच्छे से इसमें नीचे गिर जाएगा। तो बस इसमें ये देखिए बारीक जो दाने हैं वो मैं हटा दे रही हूँ और आटा अच्छे से तैयार भी हो गया। आप ये देखिए एकदम आटा प्रॉपर दान हो गया। तो बस इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू इतने जो हैं मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के, वो डाल दूँगी घिस के डालने। तो बस सब आलू मैंने ऐसे घिस घिस के डाल दिए एंड देन अब ये 3 आलू के साथ 3 मीडियम आलू रहेगा और 1 कटोरी साबूदाने एंड इसे अच्छे से मीज लेंगे, मतलब मैश कर लेंगे आलू में। अगर आपका आलू गिल्ला रहा तो आटा थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, अगर आलू सॉफ्ट वाला ड्राई वाला आलू रहा तो उसमें कम लगेंगे आटा। तो बस इस डिपेंड आलू आलू का गिल्ला कितना है, कितना कैसा आलू है, गीला वाला आलू है या कैसे वाला है। बस ये अच्छे से मैंने डो तैयार कर लिए। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में पहले हम तेल रख देंगे गर्म होने को। और हाँ व्रत में तो थोड़ा एक बार पूड़ी मिल जाए मतलब हेल्थी भी हो जाता है खाना और पेट भी भर जाते हैं और दिन भर की थकाई तो बाप रे बाप। और हाँ अगर रेसिपी आपको और चाहिए रहेगी व्रत की तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, उधर बहुत सारे रेसिपी व्रत के हैं। चाहिए तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी व्रत की रेसिपी, आप उसमें भी जाके देख लेना। साबूदाने के चीरे चीला भी है, रोटी भी है साबूदाने के, बहुत सारे व्रत के चाट भी है, सूप भी है व्रत के, हेल्थी मिल्क शेक भी है, जो आपको देखना है पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से व्रत की रेसिपी देख लेना। तो बस ये पूरी अच्छे से मैं बेल दी, अब डालते हैं तेल में और आप देखिएगा मस्त फूल भी जाती पूरी, ऐसे नहीं कि नहीं फूलती, मस्त फूल जाती एकदम अच्छी। बट हाँ एक पॉइंट है, फूल जाती पूरी, वैसे सारी पूरी फूलने के बाद ठंडा होगा तो पचक ही जाएगा, तो वैसे ये भी ठंडा होकर दब जाते पचक जाते हैं। तो बस इसी तरह मैं जितनी भी पूरी थी आप देख सकते हैं कितना कलर भी इसका कैसे चेंज गोल्डन कलर भी दिख रहा है ना। तो बस इसी तरह मैंने इस पूरी सब छान ली और इसे मैंने खाया दही के साथ, उसमें थोड़ा सी नमक और भुना जीरा डाल के, होए होए वाह वाह। तो इसमें मैंने व्रत का नमक डाल दिया है साथ में भुनी हुई जीरा डाल के इसे अच्छे से मिला लिया और यकीन मैं बड़ी मज़े की लग रही थी, इतना यम लग रहा था ना, हाय पूछो ही मत। और बहुत हेल्थी भी होते हैं, मीन्स हैवी भी होते हैं, जल्दी पेट भर जाते हैं। तो बस आप देख सकते हैं हमारी होगी तैयार और हमने बोला ना सॉफ्ट होने के बाद पचक जाएंगे पूरी, लेकिन ये देखिए पूरी फूलने के बाद पचकता है, तो कोई भी पूरी गेहूँ की भी पूरी फूलने के बाद पचकती है तो ऐसे भी। और कितना सॉफ्ट था। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आती रहे। और बहुत सारे व्रत की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना और पिन भी कर दूँगी। तो